Hello students, welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal, presenting you daily current affairs covering 1st February 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. अगर आप आज का न्यूज़पेपर देखें तो जितने भी आर्टिकल्स आए हैं मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटिंग टू इकोनॉमिक सर्वे. सो निर्मला सीतारामन हु इज़ यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन्होंने बजट से एक दिन पहले, आज 1 फरवरी को पार्लियामेंट में बजट पेश हो रहा है, इसके एक दिन पहले दैट इज़ January 31st को पार्लियामेंट में 2021 और 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसका इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया है. सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे को ही समझते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज करता है एंड बजट से बिल्कुल एक दिन पहले इसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है. नाउ दिस इज यू नो देयर फ्लैगशिप एनुअल डॉक्यूमेंट. तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, नाउ सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक सर्वे है क्या. तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये एक इम्पॉर्टेंट फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट है. हर साल इसे रिलीज़ किया जाता है. बजट के बिल्कुल एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है. नाउ बेसिकली ये एक अकाउंट है जिसके अंदर इंडिया के जो वेरियस सेक्टर्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को यहाँ पर शो किया जाता है. इंडियन इकोनॉमी के जो सिनेरियोज़ हैं पास्ट फ्यू ईयर्स में कैसा था, प्रेजेंटली कैसा चल रहा है, पास्ट पॉलिसीज़ का इफेक्ट क्या हुआ है, उसे यहाँ पे शो किया जाता है. एंड आगे आने वाले हमारे जो फ्यूचर गोल्स हैं, फ्यूचर ईयर जो है उसकी आउटलाइन यहाँ पे प्लान की जाती है. सो इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट यू नो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विच इज़ रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया. नाउ सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे का बैकग्राउंड ही हम यहाँ पे कवर करते हैं. इंडिया का सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950 या 1951 ईयर में प्रेजेंट हुआ था एंड 1964 तक इसे बजट के बिल्कुल साथ में ही प्रेजेंट किया जाता था. लेकिन 1964 के बाद इसे बजट से डीलिंक कर दिया गया और जैसा कि हम देख रहे हैं बजट पेश होने से बिल्कुल एक दिन पहले पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है. उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर कौन करता है. तो याद रखिएगा इकोनॉमिक सर्वे इज़ प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन फाइनेंस मिनिस्ट्री. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है जिसकी इकोनॉमिक डिवीजन इस सर्वे को प्रिपेयर करती है एंड ये सब कुछ होता है अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र. इन सब के बाद जब एक पूरा का पूरा इनपुट्स मिल चुके हैं और एक ड्राफ्ट बन चुका है तो जो फाइनल वर्जन आता है इकोनॉमिक सर्वे का इसे हमारा जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं वो स्क्रूटनाइज करते हैं एंड आफ्टर दैट इट इज़ अप्रूव्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. तो ये स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए. पूरी की पूरी प्रिपरेशन कौन कर रहा है, इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, किसके अंडर चल रहा है ये सब कुछ, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के. लेकिन उसके बाद जो फाइनल इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसे स्क्रूटनाइज कौन करेंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी एंड अल्टीमेटली इट विल बी अप्रूव्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. हमेशा बजट के एक दिन पहले हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है इसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है. न यहाँ पे ये जानना भी ज़रूरी है कि इसे बजट के बिल्कुल पहले क्यों प्रेजेंट किया जाता है. वेल जो इकोनॉमिक सर्वे है वो एक तरह से हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को असेस करता है कि पिछले साल जो बैकग्राउंड नॉलेज है हमारे कंट्री की जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पर मिलती है. तो बजट से पहले जब रिलीज़ होगा तो इससे कंट्री की जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस है वो सबको रिव्यू हो जाती है एंड आफ्टर दैट जो बजट प्रपोजल्स आते हैं नेक्स्ट डे उनकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग सबको मिलती है. आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आप इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है इसका कवर पेज देखिए. सो दिस इज़ द डिज़ाइन ऑफ दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे 2021 एंड 2022. वेल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि इस साल के इकोनॉमिक सर्वे का थीम क्या है. सो दिस ईयर द थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे वॉज एजाइल अप्रोच.
वेल एजाइल अप्रोच किस तरह से जो इंडिया ने जो COVID-19 पैंडमिक शॉक के दौरान जो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सेज इंडिया ने दिए उसको मेनली यहाँ पे थीम बनाया गया है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो ये एक्सट्रीम कंडीशंस आई हैं, जो एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी आई इन टर्म्स ऑफ COVID-19 पैंडमिक, इसको लेकर जो पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट ने की है उसको यहाँ पे हाईलाइट किया है। दैट इज़ द थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे दिस ईयर। ना क्योंकि जो थीम है दैट इज़ अबाउट एजाइल अप्रोच, तो पता होना चाहिए एजाइल अप्रोच क्या है। तो बेसिकली एजाइल अप्रोच हम कहते हैं ऐसे पॉलिसी रिस्पॉन्सेज को जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो जिस तरह से सिचुएशन इवॉल्व करती है उसको देखते हुए जब कोई पॉलिसी रिस्पॉन्स दिया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज एजाइल अप्रोच। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के अंदर एक मॉडल को प्रिडिक्ट किया जाता है और उस प्रिडिक्टेड मॉडल के हिसाब से जो पॉलिसीज़ हैं बनाई जाती हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म पॉलिसी रिस्पॉन्स दिया जाए एंड जिसके लिए आपको रियल टाइम डाटा चाहिए, अगर आपको चेंजेस जो कॉन्स्टेंटली आप मॉनिटर करेंगे कि हाँ जी कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, तभी उन चेंजेस को एड्रेस करते हुए आप शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कितनी GST कलेक्शन हुई, डिजिटल पेमेंट्स का क्या स्टेटस है, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, कार्गो मूवमेंट कैसे कितनी हो रही है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स उनको रेगुलरली कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना होता है जिसके चेंज को देखते हुए शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेज को आपको लेना होता है। दैट इज़ कॉल्ड एज एजाइल अप्रोच। तो ये एक तरह से एक फीडबैक लूप है जिसके अंदर जो आउटकम्स हो रहे हैं, जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, उन सबको मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो वो एक प्रिडिक्टेड मॉडल, एक जो प्रिडिक्शन की होती है कि हाँ जी किस किस तरह से हम आगे आगे बढ़ेंगे, एक पूरा का पूरी प्लानिंग होती है, वो उस तरह से की जाती है। प्लानिंग कभी भी एजाइल अप्रोच में नहीं की जाती। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक सर्वे को लेकर जो जो हाइलाइट्स आई हैं उन सभी न्यूज़ आर्टिकल्स को हम आज कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे के अंदर अगर हम स्टेट ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ हमारी GDP को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है। एंड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे इस साल हमारी जो GDP है इट कैन ग्रो बाय 9.2%। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें GDP 9.2% पे ग्रो कर सकती है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए विच इज़ योर 2022-2023 उसके लिए प्रोजेक्शंस दी गई हैं कि यहाँ पे 8-8.5% की हमें GDP ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। ये जो ग्रोथ रेट्स प्रोजेक्ट की गई हैं इसमें कुछ अजम्पशंस ली गई हैं, जैसे कि जिस तरह अभी तक हम देख रहे हैं कि पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक सिस्टम पूरा का पूरा डिसरप्ट हुआ और यहाँ पे अजम्पशन ये ली गई है कि आगे आने वाले जो साल है इसके अंदर ऐसी इकोनॉमिक डिसरप्शंस नहीं होंगी, जो मानसून है वो नॉर्मल होगा एंड जो मेजर वर्ल्ड बैंक्स हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वहाँ से बहुत ही इजीली जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन रहेगी। अलॉन्ग विद दैट हमारे जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी 70-75 डॉलर्स पर बैरल के रेंज में रहने वाले हैं एंड जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो भी स्टेडली मेंटेन रहेगी। तो ये सारी अजम्पशंस ली गई हैं। हाउएवर अगर हम प्रेजेंट टाइम देखें तो जो इन्फ्लेशन चल रही है दैट इज़ अ चैलेंज टू दिस प्रोजेक्शन। साथ ही में जो क्योंकि वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, देयरफॉर जो ग्लोबल लिक्विडिटी है वो भी टाइटन हो सकती है, दैट इज़ ऑल्सो चैलेंज। अलॉन्ग विद दैट एनर्जी प्राइसेस, बिकॉज हम लगातार फॉलो कर रहे हैं कि जो मेजर एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें एनर्जी प्राइसेस में भी देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं दे आर चैलेंज टू दिस प्रोजेक्शन ऑफ 8-8.5% ग्रोथ फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। COVID-19 ने जिस तरह इंडियन इकोनॉमी को हिट किया और उसके बाद जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी हो रही थी उसे लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में वी शेप्ड रिकवरी स्टेट किया गया था। नाउ यहाँ पे आप वी शेप्ड रिकवरी का जो ग्राफ है वो देख सकते हैं। ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर जो इकोनॉमी जितनी क्विकली अपने ग्राउंड्स को लूज करती है उतनी ही क्विकली ये अपनी नॉर्मल ग्रोथ जो लाइन है, ग्रोथ जो ट्रेंड है उसे फॉलो करती है। तो एज यू कैन सी ये GDP प्रोजेक्शन था, एकदम से डिप आता है एंड देन अगेन रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। तो लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे में इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी को वी शेप्ड रिकवरी कहा गया। वेल इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है
इसके अंदर शेप ऑफ रिकवरी को मेंशन नहीं किया गया। हाउएवर जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, जब उनसे पूछा गया कि हमारी जो इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी है उसकी रिकवरी किस तरह से हुई है, तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि बार बार हमें नेशनल लॉकडाउन देखने के लिए मिला, सेकेंड वेव आती है एंड उसकी वजह से फर्दर डिसरप्शंस होती हैं एंड जिसकी बाद अगेन जो हमारी इकोनॉमी है वो दोबारा से रिवाइव कर रही है। ऐसा बोलते हुए उन्होंने डब्ल्यू शेप को डूडल किया इन दी एयर। याद रखिए, डब्ल्यू शेप सिर्फ अपने स्पीच के अंदर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने डूडल किया, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर डब्ल्यू शेप रिकवरी मेंशन नहीं है। तो आप यहाँ पे डब्ल्यू शेप रिकवरी का ग्राफ भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये जीडीपी चल रही थी, डिप आया पैंडमिक, फिर रिकवरी शुरू हुई एंड उसके बाद आपकी सेकेंड वेव आई, अगेन डिप और फिर रिकवरी शुरू हुई। तो ये डब्ल्यू सिंबल उन्होंने डूडल किया। हाउएवर इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में शेप ऑफ द रिकवरी की बात नहीं की गई है। एंड जो इस साल का जो हमारा जीडीपी प्रोजेक्शन दी गई है, दैट इज़ कि 9.2% इस फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। तो अगर हम इसको प्री पैंडमिक लेवल से कंपेयर करें 2019-2020, तो उसके कंपैरिजन में इट इज़ 1.3% अबव। एंड मेनली बिकॉज जो हमारी प्राइवेट कंजम्पशन है, जो सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल, ट्रेड, होटल्स, ये अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हुए हैं बिकॉज ऑफ पैंडमिक। एंड अगर हम सारे कंपोनेंट्स देखें, स्पेशली हमारी इकोनॉमी की डिमांड साइड में, तो सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो फुल्ली रिकवर कर चुके हैं एक्सेप्ट फॉर प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन अभी तक उतना रिकवर नहीं कर पाया है। एंड सबसे ज़्यादा रिमार्केबल रिकवरी जो देखने के लिए मिली है, दैट हैज़ हैपन इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स। एंड उसके बाद जो गवर्नमेंट कंजम्पशन है और हमारा जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है, ये सबसे ज़्यादा रिकवर किए हैं। और बिगनिंग में ही हमने इस साल के थीम को डिस्कस किया कि जिस तरह गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाकर शॉर्ट टर्म सपोर्ट दिया टू द वल्नरेबल सेक्टर्स, एंड जिसकी वजह से उसका एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें इकोनॉमी में देखने के लिए मिला इन टर्म्स ऑफ फिस्कल हेल्थ एज वेल। तो उसी के बेसिस पे इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है, दैट इज बेस्ड, इट इज थीम्ड अकॉर्डिंग टू इट ओनली। एंड देन इकोनॉमिक सर्वे में हमारी स्टेट ऑफ इकोनॉमी को शो करते हुए जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है उसको भी बताया गया। हमारा ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-2022, इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 29.6% रिकॉर्ड की गई है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021-2022। एंड अगर हम देखें तो ये पिछले 7 ईयर्स का हाईएस्ट है। एंड इसका मेजर जो फैक्टर है, ये जो कैपिटल फॉर्मेशन हुई है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ यू नो द ग्रोथ साइकिल जो कि एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है हमारी, उसकी वजह से, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी की जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है। तो ओवरऑल अगर हम ग्रोथ एस्टिमेट्स देखें तो प्रोजेक्शंस यही हैं कि नेक्स्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तब तक क्योंकि वैक्सीन जो कवरेज है वो इंक्रीज हो चुकी होगी एंड जो सप्लाई साइड रिफॉर्म्स हैं वो आएंगे एंड देर वुड बी सम ईजिंग ऑफ रेगुलेशंस, इन सब फैक्टर्स की वजह से जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है एंड ये फिस्कल, ये सब इम्प्रूव होगा, कैपिटल स्पेंडिंग इम्प्रूव होगी, जिसकी वजह से 2022-23 की ग्रोथ को 8-8.5% की ब्रैकेट में प्लेस किया गया है। इसके अलावा हमारा जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है उसे भी पिकअप करने की बात इकोनॉमिक सर्वे में की गई है। एंड स्पेशली हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में है कि वो इस इकोनॉमी को रिवाइव कर सके, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट वहाँ पे मिल सके। एंड ऑल्सो जो इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी प्रोजेक्शंस की गई हैं, दे आर कंपेरेबल विद वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अराउंड 8.7% की प्रोजेक्शन की थी एंड ऑल्सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नियरली 7.5% की प्रोजेक्शन की थी फॉर इंडियाज जीडीपी फॉर द ईयर 2022 एंड 2023। सो प्रोजेक्शंस कंपेरेबल हैं। ऑल्सो अगर हम IMF की लेटेस्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रोजेक्शंस आई हैं उसके अंदर भी इंडिया की जो रियल जीडीपी थी उसे 21 और 22, ये जो हमारा प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है, उसको 9% पे प्रोजेक्ट किया गया था एंड फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इसे नियरली 7.1% पे प्रोजेक्ट किया गया था। नाउ अगर हम ये IMF के प्रोजेक्शंस देखें तो अगर इस तरह से इंडियन जीडीपी ग्रो करती है देन इंडिया विल बी यू नो द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं तो अगर हम सर्वे में एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज देखें तो MGNREGA स्कीम को वहाँ पे मेंशन किया गया है एंड ये बताया गया है कि जो पीक
एमजी नरेगा के अंदर जो डिमांड फॉर वर्क एकदम से हाई पे गया था, पीक पे गया था आफ्टर फर्स्ट लॉकडाउन, ये उसके बाद जो डिमांड फॉर वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है. अगर आप सेकेंड वेव के कंपैरिजन में फर्स्ट लॉकडाउन और सेकेंड वेव देखें तो यू कैन क्लियरली सी कि जो डिमांड फॉर वर्क है वो डिक्रीज हो चुकी है. एंड इस पूरी चीज़ को लेकर सर्वे में ये मेंशन किया गया कि ये जो आप डिमांड का जो डिफरेंस देख रहे हैं इसको आप माइग्रेशन से रिलेट मत कीजिएगा, बिकॉज वी समटाइम्स फील कि हाँ जी क्योंकि लॉकडाउन के दौरान काफ़ी माइग्रेशन हुआ था, ये उसकी वजह से नहीं है. स्पेशली जो डिमांड सबसे ज़्यादा उन स्टेट्स के अंदर आई है विच आर यूजली द डेस्टिनेशंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर. वो नहीं कि माइग्रेंट वर्कर्स जब वापस अपने सोर्स स्टेट्स में चले गए थे वहाँ पे उतनी डिमांड इंक्रीज नहीं हुई है, जितनी जो डिमांड है जो डेस्टिनेशन स्टेट्स हैं वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा डिमांड्स क्रिएट हुई हैं. एंड इस पूरे इशू को लेकर जो रूरल वर्कर्स एडवोकेट्स हैं दे आर सेइंग कि जो ड्रॉप हुआ है डिमांड में इसका मेन रीज़न है कि जो फंडिंग है मनरेगा की उसमें थोड़े कंस्ट्रेंट्स आ चुके हैं. एंड दे आर यू नो इवन आस्किंग कि इस बार जो बजट आ रहा है इसके अंदर मनरेगा को और फंड्स मिलने चाहिए. नाउ क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियरली 40,000 करोड़ इन्फ्यूज़ किए थे एज एन एडिशनल फंडिंग इन टू मनरेगा स्कीम, जिसकी वजह से यू नो दे वर सफिशियंट मनी एंड देयर फोर उस एडिशनल फंडिंग की वजह से जो डिमांड फॉर वर्क था वो इंक्रीज हुआ. एंड देयरफॉर दे आर सेइंग कि क्योंकि वो जो फंड्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से एक तरह से आर्टिफिशियल सप्रेशन आ चुकी है डिमांड के अंदर. अगर आप ग्राउंड पे देखें तो अभी भी यू नो दे आर वर्कर्स हु वांट वर्क, लेकिन क्योंकि स्टेट्स के पास पैसा नहीं है देयरफॉर एक तरह से एक आर्टिफिशियल सप्रेशन इंड्यूस हो चुकी है इन द डिमांड. नाउ अगर हम एमजी नरेगा स्कीम को देखें तो ये 2005 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी एंड ये बेसिकली एक सोशल मेजर है जिसके थ्रू हम गारंटी करते हैं अ पर्सन हिज़ ओ हर राइट टू वर्क. तो इस स्कीम के थ्रू राइट टू वर्क हम गारंटी करते हैं. तो इस एमजी नरेगा स्कीम का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको जो वर्कर है उसे एटलीस्ट 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट देना होगा, स्पेशली इन रूरल इंडिया, ताकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज हो सके. तो मिनिमम एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट. तो बेसिकली एक तरह से ये 100 दिनों की पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा हर एक उस वर्कर के लिए जो कि अनस्किल्ड लेबर के तौर पे काम करना चाहता है. इसके अंदर बेसिकली रूरल एरियाज़ के लिए ही ड्यूरेबल एसेट्स को बनाया जाता है. फॉर एग्जांपल कहीं पे वेल बनता है, पॉन्ड्स, रोड्स, कनाल्स, ऐसे काम के अंदर इन लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है. तो बेसिकली एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गया जो कि रूरल लेबर है जिसके पास काम नहीं है, उस अनटैप्ड रूरल लेबर को यूज़ करके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना. ऑल्सो इस स्कीम की वजह से जो रूरल एरिया से अर्बन माइग्रेशन होती है वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो सकती है. एंड क्योंकि ये एक सोशल मेजर है, सोशल स्कीम है, तो डेफिनेटली जो रूरल पुअर वर्कर्स हैं उनका लाइवलीहुड इसकी वजह से स्ट्रेंथन होता है. तो जो हमारी एमजी नरेगा स्कीम है इवन जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके अंदर भी कंट्रीब्यूट करती है. गोल 1 ऑफ नो पावर्टी, गोल 2 जीरो हंगर, गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, 4 क्वालिटी एजुकेशन, 5 जेंडर इक्वालिटी एंड देन डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आफ्टर दैट इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिड्यूस इनइक्वालिटीज. आगे बढ़ते हैं. सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियरली 3.38 लाख मेट्रिक टन्स फोर्टिफाइड राइस का डिस्ट्रीब्यूट किया है थ्रू आंगनवाड़ी मिड डे मील स्कीम्स एट गवर्नमेंट स्कूल बाय दिसंबर 2021. सो बेसिकली 2019 ने गवर्नमेंट ने एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम अप्रूव की थी फॉर फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड स्पेशली फॉर 3 ईयर्स. 2019-20 से वो स्कीम शुरू हुई थी और 3 साल के लिए ये फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस की स्कीम शुरू की गई थी. एंड गवर्नमेंट ने इसको लेकर जो फोर्टिफाइड राइस है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को एक तरह से रैम्प अप कर दिया एंड इसे इंटीग्रेट कर दिया इनटू इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसे सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, मिड डे मील स्कीम. इस तरीके से इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को फोर्टिफाइड जो राइस है उसे बहुत ही रैम्प अप करके डिस्ट्रीब्यूट किया गया. नाउ सबसे पहले समझते हैं कि राइस फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है. वेल इंडिया के अंदर अगर हम विमेन और चिल्ड्रन को देखें तो जो माल न्यूट्रिशन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेविलेंट है.
अकॉर्डिंग टू फूड मिनिस्ट्री यू नो एवरी सेकेंड वुमेन इन आर कंट्री इज एनीमिक और हर तीसरा बच्चा इज स्टंटेड. सो माल न्यूट्रिशन इज वेरी डीपली ग्राउंडेड इन इंडिया सोसाइटी. एंड रिसेंटली इवन ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी आया था जिसके अंदर 107 कंट्रीज में से इंडिया को 94 रैंक दिया गया था एंड कहा गया था कि इंडिया सीरियस हंगर कैटेगरी के अंदर फॉल करता है. तो काफ़ी अलार्मिंग है इंडिया के अंदर माल न्यूट्रिशन की सिचुएशन. तो फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ प्रैक्टिस जिसके थ्रू जो कॉमनली कंज्यूम जो फूड्स हैं उनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स को ऐड किया जाता है ड्यूरिंग देयर प्रोसेसिंग ताकि उस फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इंक्रीज हो सके. एंड सिमिलरली हमारे पास आता है फोर्टिफाइड राइस. अगर हम फूड मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंगली देखें तो जो फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस है ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है एंड यू नो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी जिससे कि हम हमारे डाइट के अंदर जो विटामिन और मिनरल कंटेंट है उसे इंक्रीज कर सकते हैं. एंड इसके लिए हमारे पास फसाई नॉर्म्स भी हैं कि फॉर 1 kg फोर्टिफाइड राइस जो होगा उसके अंदर आयरन होगा, फॉलिक एसिड होगा, विटामिन B12 होगा. एंड एडिशनली जो राइस है उसके अंदर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ऐड किए जा सकते हैं, जिंक, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B6, इन सब को राइस के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है. तो बेसिकली फोर्टिफिकेशन का बेनिफिट क्या होगा? नाउ क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसे हमारे स्टेपल फूड में ऐड कर दिया गया. नाउ इंडिया में राइस बहुत ही वाइडली कंज्यूम्ड है तो ये एक एक्सीलेंट मेथड है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी में चले गए एंड देयरफॉर जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो एक बार में ही ऑल एट वंस इम्प्रूव हो सकती है. एंड इट इज़ अ वेरी सेफ मेथड जिसके थ्रू हम लोगों का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो इम्प्रूव कर सकते हैं. इससे कोई फूड हैबिट्स में भी चेंजेस नहीं चाहिए एंड हम इसमें वही खाना जो सोशली और कल्चरली एक्सेप्टेड है उसी के थ्रू जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं. ये किसी भी तरह का जो फूड का टेस्ट है, फील है या लुक है उसे चेंज नहीं करता एंड देयरफॉर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड क्विकली एज वेल एंड जिसकी वजह से हमारे हेल्थ के अंदर भी जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में दिखने शुरू हो जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. हमने पहले भी हमारी वीडियोस के अंदर इथेनॉल की इम्पॉर्टेंस को कवर किया. वी नो हाउ इट कैन बी यूज्ड एज अल्टरनेट फ्यूल एंड इसे लेकर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये दिखाया गया है कि इंडिया इज़ मेकिंग स्टेडी प्रोग्रेस इन द शेयर ऑफ रेजिंग इथेनॉल इन ऑटो फ्यूल्स एंड जो हमारा शेयर है इट हैज़ इंक्रीज टू 8.1%. पिछले साल 5% था और इस साल 8.1% तक ये इंक्रीज़ हुआ है एंड 2025 तक जो टारगेट दिया गया है दैट इज़ ऑफ 20% कि ये जो शेयर है इथेनॉल का ऑटो फ्यूल्स के अंदर इसे हम बाय 2025 विल इंक्रीज दिस बाय 20%. नाउ इथेनॉल को फ्यूल के अंदर ब्लेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो मेनली ट्रांसपोर्ट के अंदर यूज होते हैं. तो अगर हम सक्सेसफुली 20% जो इथेनॉल का ब्लेंड है हमारे पेट्रोल के साथ जिसको E20 भी कहा जाता है अगर हम इसको भी यूज़ कर लें तो कंट्री का $4 billion जो हर साल हम यू नो इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल के ऊपर जो खर्चते हैं वो सेव हो सकता है. सो ओनली यूजिंग E20 मतलब 20% इथेनॉल आपने ब्लेंड किया इनटू पेट्रोल सो दिस कैन लीड टू एस्टिमेटेड लॉस ऑफ 6-7% इन फ्यूल एफिशिएंसी एंड गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ इथेनॉल एंड इसके लिए इवन नेशनल पॉलिसी फॉर बायोफ्यूल्स 2018 आती है जिसके अंदर इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम आता है एंड इस पॉलिसी का यही टारगेट है दैट बाय 2030 ये जो 20% ब्लेंडिंग हम कर रहे हैं इथेनॉल की इसे अचीव किया जा सके. सो इथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर केन, मेज, वीट, वो सभी क्रॉप्स जिनके अंदर स्टार्च कॉन्टेंट काफ़ी हाई होता है वहाँ से इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है. इंडिया के अंदर मेनली इथेनॉल शुगर केन मोलेसिस जो होते हैं उसको फर्मेंट करके प्रोड्यूस किया जाता है. सो इथेनॉल को गैसोलीन के अंदर मिक्स किया जा सकता है और डिफरेंट परसेंटेज के अकॉर्डिंगली किया जा सकता है. अगर हम प्रेजेंटली हमारे जो मास एमिशन स्टैंडर्ड्स आए हैं तो E12 और E15 को यू नो यहाँ पे रिलीज किया गया है. E12 मतलब 12% ब्लेंड और E15 मतलब 15% ब्लेंड ऑफ इथेनॉल विद पेट्रोल. आगे बढ़ते हैं. सो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हाईलाइट किया गया कि जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है इसे सॉल्व करने के लिए वी नीड अ स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क.
तो इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प द लेंडर्स ऑफ द डेट रिडन कंपनीज टू क्लेम एंड रिकवर देयर कॉर्पोरेशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन फॉरेन शोर्स एज वेल. तो इंटरनेशनली जो इंसॉल्वेंसी केसेस हैं वो भी इससे सॉल्व होंगे. नाउ यहाँ पे सर्वे ने मेंशन किया कि इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी की रिपोर्ट है एंड जिसके अंदर उन्होंने रिकमेंड किया कि जो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है, इम्पॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इसे अडॉप्ट करना चाहिए विथ सम सर्टेन मॉडिफिकेशंस, ताकि जो फॉरेन एसेट्स हैं उनको भी हम इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंदर इंक्लूड कर सकें. सो प्रेजेंटली हमारा जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, ये फॉरेन कंट्री के अंदर जो ऑटोमेटिक रिकग्निशन हो जाए, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाए, इसे अलाउ नहीं करती, जिसकी वजह से जो क्रेडिटर्स हैं उनके, क्रेडिटर्स, डेटर्स और इवन जो स्टेक होल्डर्स हैं सबके अंदर एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि पता नहीं इस इंसॉल्वेंसी का आउटकम क्या होगा. तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो बेसिकली ये एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एंड यू नो दिस कैन बी अडॉप्टेड बाय कंट्रीज. कुछ आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अपनी डोमेस्टिक नीड्स के हिसाब से, अपने ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से, एंड यू कैन अडॉप्ट इट. एंड इसको अभी तक 49 कंट्रीज ने इवन अडॉप्ट कर लिया है, जिसके अंदर यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर भी एक है. एंड इसके थ्रू जो फॉरेन प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो क्रेडिटर्स हैं, दे कैन डायरेक्टली एक्सेस टू द डोमेस्टिक कोर्ट्स. वो डोमेस्टिक कोर्ट्स में आ सकते हैं, दे कैन यू नो पार्टिसिपेट इन दी कमेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर. किसी और कंट्री के अंदर अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उसके अंदर आप जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंपनीज जा सकती हैं. सो इट ऑल्सो रिकोगनाइज दी फॉरन प्रोसीडिंग्स एंड देयरफॉर दे विल एनेबल द कोड टू डिटरमाइन दी रिलीफ अकॉर्डिंगली. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ. एंड इवन की यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की एक सब्सिडरी बॉडी है एंड इट इज़ यू नो रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. आगे बढ़ते हैं. अगर हम COVID-19 का इम्पैक्ट देखें कि लर्निंग पे, एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट रहा है, तो गवर्नमेंट के पास इसको लेकर डाटा नहीं था, जिसके लिए इन्होंने एक एनजीओ का जो डाटा है, विच इज़ द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ASER. तो ये जो ASER रिपोर्ट है इसे कंडक्ट किया जाता है बाय एन एनजीओ विच इज़ प्रथम. एंड इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर शो किया कि COVID-19 की वजह से एनरोलमेंट और लर्निंग दोनों पे ही असर हुआ है. सो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट विच इज़ रिलीज्ड बाय प्रथम एनजीओ, अगर हम इनकी 2021 रिपोर्ट देखें, सो अकॉर्डिंग टू इट जो एनरोलमेंट है वो काफ़ी कम हुई है. स्पेशली अगर हम 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रंस को देखें तो 2018 में 2.5% बच्चे ऐसे थे जो कि स्कूल्स में एनरोल नहीं हुए थे, लेकिन 2021 में ये डबल हो चुका है टू 4.6. इवन शिफ्ट हुआ है फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स टू गवर्नमेंट स्कूल्स. एंड इसका रीज़न बड़ा यही है कि COVID-19 की वजह से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बहुत बड़ा था एंड साथ ही में काफ़ी माइग्रेशन भी हमें देखने के लिए मिली, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल्स से शिफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ देखने के लिए मिला है. एनरोलमेंट जो रेशियो है, एनरोलमेंट परसेंटेज डिक्रीज हुई है. आगे बढ़ते हैं. अगर हम हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, तो सर्वे के अंदर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर काफ़ी एम्फोसिस किया गया है, ताकि शिफ्ट आ सके उन क्रॉप्स की तरफ जिनकी काफ़ी हाई वैल्यू है और लोअर वाटर कंजम्पशन है, स्पेशली वो एरियाज जहाँ पे पेडी, वीट, शुगर केन लगाया जाता है. वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिवियर वाटर स्ट्रेस है, उससे बाहर निकलिए, अलग अलग क्रॉप्स लगाइए, ऑयल सीड प्रोडक्शन, ताकि इवन जो हमारा कुकिंग ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो भी यहाँ से डिक्रीज हो सके. सेंटर ने यू नो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अडॉप्ट किया है, ताकि जो फार्मर्स हैं वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकें, अलग अलग तरह की क्रॉप्स लगाएं और उनको उसके लिए हायर वैल्यू मिल सके. सो सर्वे में ये कहा गया कि जो स्टेट्स हैं उनको एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेना चाहिए, ताकि एक शिफ्ट आ सके एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हमें ऑन ग्राउंड देखने के लिए मिले. हाउएवर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो फार्म लॉज जो रिपील हुए हैं उन्हें मेंशन नहीं किया गया, और जो MSP कमेटी जो बनाई गई थी उसको भी वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया. इसके अलावा अगर हम FDI की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
तो फार्मा सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा FDI देखने के लिए मिल रही है। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट हाफ देखें तो फार्मा सेक्टर की जो फिस्कल है दैट हैज़ इंक्रीज टू 53%। एंड इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड ये नंबर थर्ड पे आती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। एंड काफ़ी ज़्यादा FDI इंडिया के फार्मा सेक्टर को मिल रही है, जिसका बड़ा रीज़न ऑब्वियसली COVID-19 है। COVID-19 की वजह से जो थेरापेटिक्स और जो वैक्सीन की डिमांड है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है। एंड अगर हम इसे कंपेयर करें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो 200% का इंक्रीज़ FDI का फार्मा सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आज के पेपर में जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनको कवर किया। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच।